सारे गवाहों, बयानों और दोनों पक्ष के वकीलों के दलीलों से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एक मिनट जज साहब, आप कौन है? मैं दिव्यांगना हूँ। अरे दिव्यांगना, कैसे हो तुम? जज साहब, मैं अभिषेक के सवालों का जवाब कटघरे में आकर देना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन इस केस से आपका क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है जज साहब, जो कि ना सिर्फ आपको एक ठोस नतीजे पर ले जाएगा बल्कि मुझे भी इंसाफ दिलाएगा, जिसके लिए मैं इतने सालों से भटक रही हूँ। ठीक है, आइए कटघरे में। अब ये दिव्यांगना कौन है? ये मुझसे पूछ रहे हो? मुझे आपसे पूछना चाहिए। ये न्यू आंटी कौन है? पर ये हो क्या रहा है? लगता है गायत्री काकी ने कोई झबरा पासा फेंका है। अब होगा मेरे अन्ना का पलड़ा भारी, क्योंकि अभिषेक काका तो गए। जब मुझे पता चला कि अभिषेक के चरित्र को लेकर यहाँ केस चल रहा है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। एक मिनट। हाँ उज्ज्वला, कृष्णा को हेडफोन दे दो। जज साहब, कॉलेज में हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता था ये। ये मेरा बॉयफ्रेंड था और इसने मुझे धोखा दिया है। यहाँ तक कि मैं अब मैं क्या बताऊं जज साहब? अरे वही बताओ जो हुआ है। तो वही बता रही है, और क्या बताएगी? ये पिक्चर की स्टोरी सुनाने तो नहीं ना आई है इधर? ऑर्डर, हवा में बता रहे, हवा में अभी याद हो गया मेरे को। ए बबना, अब ऑर्डर। जज साहब, इसने कॉलेज में मुझे बहुत सारे वादे किए और मैं आज तक इसके इंतजार में हूँ। ये क्या झूठ बोल रही हो तुम? मैंने तो सिर्फ रोज डे पे रोज दिया था तुम्हें। जज साहब, देखा आपने इसका चरित्र? देखा, रोज इसको रोज देता था। नहीं अन्ना भाई, रोज नहीं देता था, सिर्फ एक बार रोज दिया था। हाँ, सिर्फ एक बार रोज दिया था मतलब रोज एक बार दिया था। नहीं, वो वाला रोज नहीं, रोज वाला रोज। तो मैं भी वही बोला, वो वाला रोज नहीं, रोज वाला रोज इसको रोज दिया था इस नालायक ने। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। हाँ, तुम बोलो ना, तुम क्यों रुक गई? बोलो जो बोलना है। हाँ, बोलती हूँ। मैं इतना प्यार करती हूँ अभिषेक से कि अगर मुझे इंसाफ में ये नहीं मिला तो यही सर पटक के मर जाऊंगी। जज साहब, मैं ये केस वापस लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी तो मुझे भी यही लगने लगा है कि मेरा ये दामाद एक नंबर का चालबाज और धोखेबाज। पप्पा, इसने जरूर मेरी बेटी गायत्री को धोखा दिया होगा। गायत्री पे मैंने जो शक्की होने का आरोप लगाया है वो मैं वापस लेता हूं। सुनिए, मैं कोई नई डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं वही चाहता हूँ जो मैं पहले भी चाहता था, कि मेरी एक प्रॉपर फैमिली हो, जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स की है, जिसमें मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी सब एक साथ रहते हैं। लेकिन बेटा, हमने जब अदालत लगवाई उससे पहले भी तो तू यही बोल रहा था। पर महेंद्र भाऊ, अदालत में कहा कोई नतीजा बतीजा आया तो हमारा कृष्णा तो
फिर से वही धमकी दे रहा है जो पहले। राइट, अगर मम्मी पापा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो क्या? तो मैं चाहता हूँ कि मम्मी आप मुझे दूसरे पापा लाके दीजिए। फिर पापा आप मुझे नई मम्मी लाके दीजिए। नई मम्मी या फिर पापा, जो भी आएगा मुझे उनके साथ अच्छे नाना नानी और दादा दादी ही मिल जाएंगे और मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। कृष बेटा, ये क्या बेवकूफों जैसा सुझाव दे रहा है तू? क्या गलत बोल रहा है बताइए मुझे? हाँ नहीं, हम सबके बीच जो झगड़े चल रहे हैं, जो हमारी जिद और अहंकार की वजह से चलते ही जा रहे हैं, उसमें ये बच्चा क्यों सफर करे? हाँ बरोबर बोली उर्मिला बहन, मेरा कृष्णा क्यों सफर करे? ओ उर्मिला बहन, इस बात में मैं आपके साथ सहमत हूँ। लो देख लो, यहाँ पति पत्नी एक नहीं हो रहे हैं लेकिन भाई बहन एक हो गए। उर्मिली, क्या तू ये चाहती है कि इन दोनों की शादी अलग अलग जगह पे हो? मेरी यही शर्त है, वरना मैं एडॉप्शन सेंटर चला जाऊंगा और ये मेरा फाइनल फैसला है। बेटा तुम ऐसी मनमान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, और इस बात में मैं अभिषेक के साथ हूँ। हमेशा के लिए अभिषेक के साथ हो जाना तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा गायत्री। मम्मी पापा आप दोनों फिर से एक हो जाइए या फिर अलग अलग जगह शादी करके मुझे नई मम्मी या फिर नए पापा लाके दीजिए। और जो भी मुझे पहले परफेक्ट फुल फैमिली लाके देगा मैं उसी के साथ रहूंगा। तो करना क्या है गायत्री? अभिषेक, गायत्री बड़ा अभी अभी देख, हमारा कृष्णा है ना, वो बिल्कुल गलत भी तो नहीं है। अन्ना ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब अभी तुम्हारी और अभिषेक की तो हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और। अन्ना ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि मैं अब क्योंकि बोल दे अटक क्यों गई? पूरा बोल दे ने बेन, क्योंकि तू अभी भी अभिषेक के पीछे लट्टू है। बेटा अभिषेक ने तो हमें कई बार बोला है कि वो तुझे बहुत प्यार करता है। मम्मी पापा, हाँ मीन्स कि आप मम्मी और ये पापा, अब बार बार मेरी वकालत मत कीजिए और ऐसे गुनाह की माफी मत दिलवाइए जो कि मैंने किया ही नहीं है। गायत्री और अभिषेक तो एक होने से रहे तो दूसरा पर्याय ही बरोबर है। भले वो चाहे जितनी जिद करे, मैं जिद के सामने जिद करूंगा, लेकिन अभी गायत्री का संसार दूसरी जगह बसा के रहूंगा। ये कैसे मुश्किल में डाल दिया कृष्ण ने हमें। अब गायत्री कहीं और शादी कर लेती है तो कृष्ण हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। अब करूँ तो क्या करूँ? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.